नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली धनगर। राजनांदगांव जिले में 12 जुलाई 2009 को मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोरकोट्टी हुए नक्सली घटना की आज 11वीं बरसी मनाई गई। इस नक्सली वारदात में तत्कालीन राजनांदगांव एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान नक्सल एम्बूस में फंस कर शहीद हो गए थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रक्षित आरक्षी केंद्र राजनांदगांव में जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित किया गया, जहां आईजी दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा, कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, एसपी जितेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा शहीदों की याद में बनाए गए अमर जवान स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ शहीदों की याद में सभी ने एक एक पौधे लगाए। इस अवसर पर आईजी विवेकानंद सिन्हा ने मीडिया के माध्यम से नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी की है। इसके अवसर पर मैं श्री बीके चौबे और समस्त शहीदों को सत सत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि शहीद बीके चौबे एक बहादुर अधिकारी और सहज सरल परंतु अंदर से बहुत ही सख्त थे, और उन्होंने नक्सलियों से जो लोहा लिया और एम्बुस में फंस जाने के बावजूद अपने अधिकारी जवानों को उन्होंने नहीं छोड़ा बीच में, और एक सुप्रीम सेक्रीफाइस सभी लोगों ने दिया। उनकी शहादत को हम नमन करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो सपना देखा था यहाँ पे जो नक्सल समस्या है राजनांदगांव जिलों में उसके खात्मा के लिए, उस सपनों को हम पूरा करेंगे, और उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो रास्ते पे हम लगातार चल रहे हैं। और आज स्थिति चाहे मानपुर की हो चाहे उसके नीचे की, स्थिति बदल चुकी है, और साथ ही साथ ना केवल यहाँ पे बल्कि बस्तर में भी स्थिति बदल चुकी है, और लगातार हम नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे हैं, और निश्चय ही आने वाले दिनों में नक्सली समस्या को खात्मा करेंगे और शांति स्थापित करेंगे। भटके हुए जो लोग हैं, क्या उनके लिए मैसेज हो सकता है कि ऐसे कर्तव्य ना करें या फिर ऐसा कोई हमारा फिर जवान चाहिए? नहीं, बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं समस्त युवक युवतियाँ जो नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं या उनके आइडियोलॉजी से आकर्षित हो रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आपने पिछले 30-35 वर्षों में देख लिया है कि जो समाज का विकास, क्षेत्र का विकास सही मायने में शासन ही कर सकती है, प्रशासन ही कर सकती है, आपने देख लिया है, और लगातार शासन प्रशासन आपके क्षेत्र समाज के विकास के लिए लगी हुई है। इतने वर्षों में नक्सलियों की जो कार्य प्रणाली उसको आपने देख चुका है कि केवल वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, केवल अपनी उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे हुए हैं, और आपका उसके बहाने आपको उपयोग करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो शासन की नीति है, शासन की जो पुनर्वास नीति है, राहत एवं पुनर्वास नीति एक बहुत अच्छी नीति है, और उससे प्रभावित होकर बहुत लोग हाँ जो नक्सली विचारधारा से प्रभावित थे उनसे छोड़ करके समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी समाज की मुख्यधारा से जुड़िए, समाज के विकास में, राज्य के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दीजिए, और शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति का आप लाभ लीजिए। मेरे गाँव में मतलब कुछ निशानी नहीं है शहीद का, न अभी तक यहाँ जो मिला है उसके बाद न किसी प्रकार शासन से, इतना बड़ा छोटा भी उसका निशानी अभी तक नहीं बनाए, इसीलिए दिखाता हूँ और हर साल रखता हूँ सर में, और अपने बलबूते पे रखता हूँ कार्यक्रम। आज भी चल रहा होगा, मतलब एसपी साहब बोले थे, कलेक्टर साहब भी बोले थे आए होंगे, ऐसे ही आते हैं, हर चीज आते हैं जरूर, और बताता हूँ सबको सर कुछ तो बना दीजिए।